लड़कों, तुम शनिवार की रात को क्या कर रहे हो? मैं लड़कों, तुम दोनों शनिवार की रात को क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी को बाहर ले जाने की सख्त जरूरत है। और आप चाहते हो कि हम मम्मी को बाहर लेके जाएं? वो आपका काम है ना। अरे नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग घर पे रहो, बॉबी और निकी का ख्याल रखो। हिमानी को मैं बाहर लेकर जाऊंगा डिनर पे, और वो भी होटल राजमहल में। क्या? वो तो फाइव स्टार रेस्टोरेंट है, जिसका मतलब है वो हद से ज्यादा महंगा होगा। तो क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी का सातवां महीना चल रहा है, फिर भी वो इस घर को संभाल रही है, तुम दोनों भटूरों को संभाल रही है। वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या मैं उसे फाइव स्टार ट्रीटमेंट नहीं दे सकता? आपको किसी ने डिस्काउंट कूपन दिया ना? हाँ। बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया, काम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे पले पले साथ साथ। बेबी अच्छा चल फिर। अवतार जी, दलजीत का फोन था, किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो हमारे साथ सैटरडे की डिनर प्लान पर नहीं आ सकते। ओह ठीक है, मैं लड़कों को बोल देता हूँ उनको रात को घर पे नहीं रुकना। नहीं अवतार जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक रात की छुट्टी की इतनी जरूरत है कि मैं डिनर पर सिर्फ आपके साथ भी जाने को तैयार हूँ। नानी, अगर तुम मुझे इतना प्यार ना करती तो मेरा क्या होता? हाय डॉली। हाय अविष्कार, तुम यहाँ कैसे? मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर पेट्रोल बचाने के लिए कमाल का प्लान सोचा है। अब से हम ऑफिस एक ही गाड़ी में जाएंगे। वाह, और तुम लोगों ने प्लान ठीक से डिस्कस कर लिया था ना? हाँ, तभी तुम आए हो ना पिक करने के लिए। पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो तुम्हें पिक करने गए हैं। ओ, शायद उतने भी कमाल का प्लान नहीं था। पर अब जो मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम सैटरडे रात को क्या कर रही हो? आविष्कार, थैंक्स कि तुमने मुझसे ही पूछा, पर मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती, सॉरी। मैं तुम्हें डेट पे लेके जाने के लिए नहीं पूछ रहा था। ओह काश मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी होती। भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा और तुम अपनी पूरी बात बताओ। एक लड़की है सलोनी, जो मेरे साथ बाहर जाना चाहती है, और मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसे ये एक डेट लगे। तो मैंने सोचा अगर मैं अपने साथ एक दोस्त ले जाऊँ तो वो समझ जाएगी कि हम एक डेट पे नहीं है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूँ जो असल में डेट नहीं है, ताकि सलोनी को लगे कि ये डेट नहीं है। एग्जैक्टली। और मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी कोई लड़की जानता ही नहीं जो मेरे साथ डेट पे ना जाना चाहती हो। ठीक है, वैसे भी मैं भी किसी लड़की को नहीं जानती जो मेरे साथ डेट जो डेट नहीं पे जाना चाहता हो। तो तुम मेरे साथ डेट जो डेट नहीं पर चलोगी? क्यों नहीं। अरे वाह मां, आप तो काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू बेटा। और पापा आप देखो ना, मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी बेटा, मुझे लगता है आज तुम्हारे पापा बहुत डैशिंग लग रहे हैं। थैंक यू हिमानी। अवतार जी, मैं आज के प्लान को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। हिमानी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज ना हमारी गाड़ी खराब है तो हम ऑटो पे जाएंगे। और मेरी वो एक्साइटमेंट अभी से ही घटती जा रही है। हिमानी, तुम बाहर जाके जरा ऑटो रोको, मैं आता हूँ। तुम बाहर जाके रुको, ऑटो मैं लेकर आता हूँ। लड़को, आज रात को मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जब हम वापस आए तो हर बच्चा और उसका ख्याल रखने वाला बच्चा और घर की हर एक चीज वैसी होनी चाहिए जैसी हम छोड़ के जा रहे हैं, समझ गए रोहन? रिलैक्स पापा, मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम हमेशा यही कहते हो। इतनी बार कहने के बाद कभी ना कभी इससे सच होना ही है ना। मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं जा रहा हूँ। सनी, तुम बड़े भाई की मदद करोगे। बाय दिक्की। बाय बॉबी। बाय पापा। बाय कह दो।
सारे सुनो, आज घर का कैप्टन मैं हूं, समझ गए? और मेरे रूल्स के मुताबिक ना कोई खेलेगा, ना घर में भागेगा, ना गंद मचाएगा और ना ही कोई शरारत करेगा। रोहन भैया, ये तो मम्मी के आप बेडरूम में पटाखे नहीं फोड़ सकते वाले रूल से भी बदतर है। आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों बन रहे हो? मैं बताता हूँ क्यों। मैं सबकी नजरों में गैर जिम्मेदार बन बन के थक गया हूँ। आज रात के बाद कोई भी मेरे बारे में ऐसा नहीं कहेगा। क्या हुआ? या तो मैंने अपने पैंट में सुसु कर ली, या तो मैं निकी के ग्रेप जूस पर बैठ गया। मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन कम बुरा है। मम्मी का नया सोफा। कोई बात नहीं, आपने पूरे 30 सेकंड बिताए बिना कोई गड़बड़ के। कैप्टन, हाय अविष्कार। हाय, टीआरएमएस में तुम्हारा स्वागत। टीआरएमएस? थालो रोटी मारो साग। रेस्टोरेंट का नाम है। थैंक्स। एक्चुअली मैं पहले कभी किसी राजस्थानी रेस्टोरेंट में नहीं आई। ये काफी कूल है। हाँ, रेस्टोरेंट के साथ साथ लाने वाला भी काफी कूल है। अच्छा, तो सलोनी कहाँ है? वो आती होगी। नमस्कार, मैं जग्या, आपका धीरा। केम थो, मदा मत हो, बद्दू सरस। आप एक राजस्थानी रेस्टोरेंट में गुजराती में क्यों बोल रहे हो? वो क्या है ना, मैं पहले गुजराती होटल में काम करता था ना, इसके लिए। चलो छोड़ो, जाने दो, मैं फिर से शुरू करता हूँ। घनी कम्मा भाई सा, घनी कम्मा भाभी सा, सब बढ़िया, राजी खुशी। मैं इसकी भाभी नहीं हूँ, आई मीन मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, एक्चुअली मैं। क्या फर्क पड़ा है भाई सा, चलो छोड़ो। ये तो मनिया बताओ, थार ताई काई लेऊं रसोई में से? मेरे लिए मसाला छास। मेरे लिए भी। वेरी गुड जी। मेरा मतलब खड़ी गम्मा। चलो छोड़ो, जो भी है मैं ले रहा हूँ। काफी अजीब है। तो पापा के साथ काम करके कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। अवतार सर बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी बिजली की कहानियां। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, 21 सालों से उन्हें झेल रही हूँ। एक सेकंड, सलोनी का मैसेज आया है। अब वो नहीं आ सकती है। ओ, अब तो जल्दी से मसाला छाछ का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। मेरा काम तो हो गया, मैं चलती हूँ। अब जगिया कहाँ है? एक मिनट, अब जब हम लोग यहाँ पे आ ही चुके हैं तो थोड़ा सा रुक के चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बोरिंग हो। Excuse me, मैं कोई बोरिंग नहीं हूँ। मुझे मस्ती करना बड़े अच्छे से आता है। In fact, सर्कस की जोकस भी मुझे देख के कहते हैं, काश हम डॉली सिंह जितने मजे कर सकते। अच्छा, हाँ, मुझे यकीन नहीं होता। तो तुम्हें लगता है कि मैं बोरिंग हूँ? लगता नहीं है, मुझे यकीन है। ठीक है, तो मेरे पास एक मजेदार कमाल का प्लान है। पहले मैं धूमधाम दाल बाटी ऑर्डर करूंगी और उसे खाने के बाद सर पे मटके रख के इन औरतों की तरह डांस करूंगी। मम्मी, अच्छा लेकिन ये ग्रेप जूस तो तुम्हारा था ना? गिराया तो आपने था ना? बिल्कुल सही कहा निकी। अरे तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो? तुम क्या हंसी जा रही हो? मैं मम्मी पापा को ये भी बता सकता हूँ कि तुमने ये किया। निकी ने गड़बड़ की, निकी ने गड़बड़ की। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती आपकी है। पर वो मम्मी पापा को नहीं पता ना। तो आप झूठ बोलोगे? मैं झूठ बोलूंगा? क्या कर लोगी तुम? मैं मम्मी पापा को बताऊंगी। चुप करो तुम दोनों। मुझे बॉबी को सुलाने के लिए आधा घंटा लगा है और मैं लोरी दूसरी बार नहीं गाने वाला। कंट्रोल करो अपने आप को। अरे ऐसे कैसे कंट्रोल करूं? फिर से वही हुआ ना, मम्मी पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। मन भैया, अपना हाइपर क्यों हो रहे हो? सोफा रिपेयर वाला आता ही होगा। सनी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा काम करेगा कि नहीं? और अभी तक वो आया नहीं, कब से रुके हुए हम पागल। देखो जा। सुरेश सकलानी, सोफा डॉक्टर, सोफे की हर मुसीबत की करूं मरम्मत। जल्दी आने के लिए शुक्रिया।
नो प्रॉब्लम। वैसे मरीज कहाँ है? मरीज? आप ये सोफा डॉक्टर वाली बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे? अगर सीरियसली ना लेता तो अपनी गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस की बत्ती ना लगाता। प्रॉब्लम यहाँ है, हट के। वैसे दाग लगा किससे? ग्रेप जूस। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पूरी कोशिश की। क्या आपने दाग को देखा तक नहीं? दाग अंगूर के रस का है, मैं एक डॉक्टर हूं, कोई जादूगर नहीं। टेक्निकली आप डॉक्टर भी नहीं हो। देखिए, क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? अगर मेरे मम्मी पापा ने ये दाग देख लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। टेक्निकली सिर्फ आप मुसीबत में फंसोगे। आप लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, जख्मी सोफा को एक्सचेंज करके एक नया सोफा ले आओ जो बिल्कुल ऐसा ही दिखे। लेकिन इतनी रात को सोफा कहाँ मिलेगा? और सारे दुकान तो बंद हो गए ना। ये लो सोफा प्लस। यहाँ जाओ, इस दुकानदार को मैं जानता हूँ, वो तुम लोगों के लिए दुकान खोल देगा। और उसके पास बिल्कुल ऐसा ही एक सोफा है, और अगर तुम लोग मेरा नाम लोगे तो तुम्हें एक आइसक्रीम मुफ्त में खिलाएगा। चलो अभी चलते हैं। देखो डॉली, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोरिंग कौन है? बताओ बताओ। इतना आसान नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती है। अरे मैं ही पहले भी कर चुकी हूँ, रिलैक्स। तो तुमने पहले 6 मटकों को बैलेंस किया है? नहीं, पर मैं 6 किताबों को बैलेंस कर चुकी हूँ। 6 मटके बैलेंस करना क्या मुश्किल हो सकता है? और कुछ ही देर में पता चलेगा। देखा अब बोरिंग कौन है, बताओ। अरे ऐसो ना छोरी, घूमो। अरे वाह, ये दुकान तो एक्चुअली खुली हुई है। लगता है वो सोफा डॉक्टर सचमुच मालिक को जानता होगा। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी क्या मतलब? आप अभी अभी हमसे मिले थे हमारे घर पे। आप सोफा डॉक्टर है ना? नहीं नहीं, मैं सोफा डॉक्टर था, अब मैं इस दुकान सोफा प्लस का मालिक हूँ। देखिए आप जो भी हो, आपने कहा था कि आपके पास हमारे सोफे जैसा सोफा है। नहीं नहीं, वो तो सोफा डॉक्टर ने कहा था, उसका काम है आपको दुकान में लाना, और मेरा काम है आपको कोई और सोफा बेचना। और मेरा काम है आपसे ये कहना कि आप दोनों ने हमें बड़ा निराश किया है। रोहन भैया जल्दी आओ, ये देखो। क्या हुआ? ये सोफा बिल्कुल हमारे पुराने सोफे की तरह दिखता है। तो इससे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना? हो भी सकती है। मतलब? देखो, प्लान शायद थोड़ा अजीब होगा। शायद नहीं, पक्का अजीब होगा। देखो प्लान शायद थोड़ा अजीब होगा, लेकिन क्यों ना हम हमारे पीले सोफे की जगह ये नीला सोफा ले जाए। मम्मी पापा इतने सालों से तो नीला सोफा देखते आ रहे, तो शायद उनका दिमाग उन्हें चकमा दे देगा, मुझे पता ही ना चलेगा कि हमने सोफा बदल लिया है। तो ये है तुम्हारा प्लान, मम्मी पापा के दिमाग को चकमा देना? हाँ, कमाल का प्लान है। सनी सुन, जब मम्मी पापा आएंगे ना तो बिल्कुल नॉर्मल रहना, ठीक है? ठीक है यार। ये क्या करेगा? नहीं यार, सोफे के ऊपर नहीं, नहीं तो उनकी नजर वही जाएगी ना। हाँ करेक्ट। नहीं यार, और अब जब तुम सोफे पे नहीं हो तो मुझे सोफे के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाय लड़को। हम आ गए। हाय माँ। हाय पापा। डिनर कैसा था? मजे किए? हाँ हाँ, अरे सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब बिल आया। मुझे पूरे 60% डिस्काउंट मिला। यहाँ पर सब कैसा है? बिल्कुल परफेक्ट।
निक्की और बॉबी तो सो भी गए। वैसे ही जैसे आपको जाके सोना चाहिए। अब वाह बेटा, पूरी शाम बीत गई और कोई गड़बड़ नहीं हुई। शाबाश रोहन। ठीक है, हम जाके सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय। काम कर गया। कहा था ना। एक मिनट। कुछ गड़बड़ है। नहीं माँ, सब कुछ तो बिल्कुल वैसे का वैसा है। मुझे तो सब कुछ हद से ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। ये बिल्ली का चेहरा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल सॉरी मां, गलती से हो गया। आप ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक से ज्यादा ठीक लग रहा है। क्या नजर पाई अपने? पता है। शुक्र करो मुझे वो पीला सोफा बिल्कुल पसंद नहीं था। कल मैं पहली बार डेट जो डेट नहीं पे गई, और आविष्कार के साथ जाके मुझे बहुत मजा आया। यू समझो कि डॉली अब एकदम सारू छे। सू समझो। हाय डॉली। हाय पापा। हम लोगों ने बैठ लगाई है कि पापा नए पुराने सोफे को नोटिस कब करेंगे। कोई प्रॉब्लम पापा? हाँ ये सोफा। हाँ ये देखो, मैं हमेशा अपना फोन इसमें घुमा देता हूँ। कभी कभी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है ना। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कभी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। उन्हें बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। वाह, ये बीच वाली डांसर तो कमाल की। मैंने आज तक इसके जैसी डांसर नहीं देखी। मैंने भी नहीं। नहीं, मटके वाला डांस दोबारा ट्राई करती। इसे देख के तो मेरी हिम्मत टूट चुकी है। सही है, वैसे भी इसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। परसों जॉली का बर्थडे है, तो शाम को घर पर होगी केक और आइसक्रीम पार्टी। मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि फिरोज उमंग सोनावाला केटरिंग इंस्टीट्यूट को किसी ने खरीद लिया है और हमारे इंस्टीट्यूट का नया नाम है चुस्की। तभी वो इतनी टेंशन में है। टेंशन में तो मैं हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने फुस्की का फुल फॉर्म रट के याद किया था। ये डॉली दीदी का बर्थडे गिफ्ट है। तुम डॉली दीदी के लिए एक पत्थर ले आई? उनके पास एक भी नहीं था ना, इसलिए। 400 रुपए? सनी मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे। गिफ्ट देने वाले को भी कमीशन मिलनी चाहिए ना। हमारे कॉलेज के नए मैनेजमेंट ने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है हम टीचर्स के बारे में फीडबैक देने के लिए, और वो स्टूडेंट तुम हो। पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।